बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे और आने वाली नागहानी आफत से बचाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने आपके लिए ये देखें बनाई है चिकन मैक्रोनीस की रेसिपी। आप भी मेरी रेसिपी से ट्राई करें, इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनीस, जिसके लिए मैंने दो टाइप की मैक्रोनीज़ ले ली हैं। एक तो लॉन्ग वाली, जिनको मैंने स्मॉल पार्ट्स में कर लिया है, बीच में से तीन तीन पीस एक स्टिक के कर लिए हैं। आपका दिल चाहे तो आप बड़े पीस भी रख सकते हैं। ये मैंने एल्बो ले ली है, यू वाली। ये मैक्रोनीज़ ले ली हैं, दो टाइप की मैंने मैक्रोनीज़ ली हैं। मंगो भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, ये तकरीबन डेढ़ कप होगी। इसी तरह मैंने डेढ़ कप ले लिए शिमला मिर्च, प्याज ले लिए एक दरमियाने साइज़ का, आधा किलो मैंने चिकन ले लिए जिसका मैंने कीमा बना लिया, बहुत बारीक कीमा नहीं बनाया हुआ। इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स, सुरंग मसाला मैं इसमें नहीं ऐड कर रही। इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, सॉल्ट मैंने ले लिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून आलमोस्ट मैंने रेड चिली फ्लेक्स ले ली है, और ब्लैक पेपर मैंने ले लिए 1/2 टीस्पून। ये मैंने फ्रेश क्रश कर लिए, फ्रेश क्रश की हुई ब्लैक पेपर से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। अब हम चलते हैं जी इसको बनाने की तरफ। मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं पहले सबसे पहले प्याज ऐड कर दूंगी। प्याजों का जब कलर चेंज होता है, इसको मैं फिर इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। साथ ही मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, जिसमें मैं मैक्रोनीज बॉईल करूंगी। इस पानी में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे टेस्ट मैक्रोनीज का बहुत अच्छा आता है। ये मैं इसको डाल के बॉईल कर लूँगी। इस स्टेज पे अब मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। चिकन ऐड करके मैं अच्छी तरह चिकन को भून लूँगी। चिकन को बस अब अच्छी तरह भून लेना है। इसमें मैं सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ और रेड चिली फ्लेक्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अच्छी तरह इसको मैं अब भून रही हूँ। इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल भी अच्छी तरह निकल जाए। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। हाँ जी, इस स्टेज पे हम अब ऐड करने लगे हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और बंद गोभी को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल बीच में मैश हो जाए, बिल्कुल हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है। बस इतना पकाना है कि ये सोते हो जाए। अब हम इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम काली मिर्च, जो हमने खुद ही कूटी हुई है, पीसी हुई नहीं है बाज़ार की, इसको फ्रेशली कूट लिया था, शामिल करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही और अरोमा बहुत ही अच्छा फील होता है खाने में, मैक्रोनीज में तो स्पेशली बहुत अच्छा फील होता है। अब हम इसमें मैक्रोनीज डाल के मिक्स करेंगे। हमने सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना कि उसकी अपनी शेप जो है और अरोमा चेंज हो जाए या बहुत इसमें मिक्स हो जाए। हमने थोड़ा सा बस इसको पकाना है कि ये देखें शिमला मिर्च और बंद गोभी आपको बीच में नज़र आ रही है, बस इतना ही इनको हमने पकाना था। और अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी मैक्रोनीज बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारी चिकन मैक्रोनीज बन के तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। आप भी मेरे तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। आज की रेसिपी और वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।